मेरे प्यारे साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि किस चीज़ का पौधा कैसा होता है। आप सभी लोग भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे कि इसका पौधा कैसा होगा, तो हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे। पहले हम आपको पौधा दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे, इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सा पौधा है ये। आपका आंसर सही निकलता है या गलत निकलता है, इस गेम को अपन खेलते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम पहले पौधे पर पहुँच जाते हैं। इसमें कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, विश्वास है 100%, तो आप आज देख लेंगे। अब देखिए, ये पहले नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों ने क्या किया है, इसको हमने ऊपर से कुछ निकाल करके इसको खा लिया है, पर इसके कुछ पत्ते आपको अभी भी दिख रहे होंगे। देखिए, ये पत्ता आपको दिख रहा है, ये पत्ते से आप समझ जाएंगे, या जो लोग इसकी भाजी बनाकर खाते हैं वो भी इसको समझ जाएंगे। तो आप लोग समझ लिए होंगे, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है मेथी का पेड़ है, जो मेथी दाना होता है पीले रंग का, उसका पेड़ है। जो मैंने छोटा सा इसलिए लगाया है डिब्बे में ताकि बच्चों को इसको पता चले कि ये कौन सा पौधा कैसे होता है। तो ये तो खैर सभी लोग जानते हैं, पर अगला और बताएंगे आपको। देखिए, ये मैंने लगाया है, देखिए फ्रूटी के डिब्बे में लगाया है, ये आप देख रहे होंगे। तो इसको सभी जानते होंगे, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है, तो ये पौधा तो पहचान गए होंगे सभी लोग कि किस चीज़ का है। ये गेहूं गेहूं का पौधा है, ये गेहूं अपन लोग जो खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसका पौधा है। इसके बाद हम और आगे पहुंचते हैं, जो आप लोगों से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इसको सभी लोग जानते होंगे, तो ये हमारा जो पौधा है छोटा सा, ये इतना अच्छा है, बहुत ही प्यारा उग रहा है। तो इसको उगाने के लिए मैं टिप्स आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो पेड़ है, इसमें बोतल में छोटे छोटे आपको छेद दिख रहे होंगे, ये छेद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छेद से जो मैंने इसकी बॉडी में छेद किए हुए हैं, तो इसमें जो पानी डालते हैं तो इधर भरता नहीं है, पानी नीचे से निकल जाता है। तो आप भी अपने घर पर तुलसी का एक अच्छा सा पौधा उगा सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे कठिन क्वेश्चन आया वही आया, आप बताइए ये किस चीज़ का पौधा लगा हुआ है। ये सबसे कठिन बात है, बहुत लोग इसको धनिया बोलेंगे, पर ये धनिया नहीं है। आप लोग इसको धनिया बिल्कुल भी नहीं बोलें, क्योंकि धनिया का ये लगा हुआ, देखिए ये धनिया है, मैंने ये धनिया उगाई है, तो ये धनिया है। पर इसमें बहुत फ़र्क है, आप देख रहे होंगे। देखिए, मैं दोनों को अगल बगल में करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, दोनों अलग दिख रहे होंगे। देखिए, धनिया की पत्ती थोड़ा चौड़ी सी है और ये बगल वाली पत्ती थोड़ा बारीक सी है। पर आप लोग, कुछ लोग इसको शायद समझ गए हों, लेकिन मैं अब इसको बता देता हूँ। ये जो पौधा है, ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये अजवाइन का पौधा है। जो अजवाइन होती है, छोटा छोटा दाना रहता है अजवाइन का, जिसको हम नींबू के अचार में डालते हैं, तो अजवाइन का है। अब मैंने कैसे इसको उगाया है, इसको मैंने उसी टेक्निक से उगाया है, आधा मिट्टी आधा खाद मिला करके मैंने डाला है, और पानी को इतना डालना है कि पानी उसमें भरे नहीं, और नीचे से छेद भी करना है इसमें बोतल में। देखिए, बोतल में नीचे से छेद करना है, आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये आपको छेद दिख रहे होंगे शायद, देखिए नीचे से छेद दिख रहा होगा, इसमें छेद जरूर करना है, तभी भी अच्छा हो गएगा। तो ये हमारा हो गया अजवाइन का पौधा। अब हम और नेक्स्ट पहुंचते हैं इस वाले छोटे वाले पॉट पर। ये छोटा वाला पॉट मैं उठा लेता हूं थोड़ा। देखिए, ये वाला छोटा वाला पॉट है, देखिए ये छोटा वाला पॉट आपको दिख रहा होगा। ये भी आप कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ, नीचे रख के दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पौधा है, ये जीरे का पौधा है, जो जीरा हम डालते हैं, जीरा राइस खाते हैं, और जीरा जो डालते हैं अपनी सब्जी में, उसका पौधा है ये जीरे का। तो मैंने केवल, मेरा मकसद ये था उगाने का, कि आप सभी बच्चों को, और आप जैसे बड़े लोग हैं उनको भी कई लोगों को मालूम नहीं रहता है जीरे का पौधा, तो मैंने आपको दिखा दिया ये जीरे का पौधा है। बहुत बहुत कठिन पौधे मैंने भी नहीं देखे थे, पर मेरे मन में एक सवाल था कि इसका पौधा कैसे होता है, इसलिए मैंने ये उगाया। अब हम पहुँच जाते हैं जीरे के बाद सौंप के पौधे पर पहुँच जाते हैं। खैर, नहीं, सौंप के पे नहीं पहुँचेंगे हम, तुम लोगों से पूछेंगे कौन सा। देखिए, ये लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा इधर पर, देखिए ऐसे दिख रहा है। देखिए, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, डिब्बे में लगा हुआ है। देखिए, फ्रूटी के डिब्बे मैंने सारे लगाए हुए हैं। देखिए, ये पौधा हमें बताना है ये किस चीज़ का पौधा है, तो आप लोग सोच लीजिए इसको। इसको मैं इस तरफ रखता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये पौधा है, इसको तोड़ के अगर हम सूंघते हैं तो बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है, तो आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का हो सकता है। तो ये सौंप का ही पौधा है, मैंने इसका आंसर खोल दिया था, पर ये सौंप का पौधा है, बहुत अच्छा पौधा लग रहा है देखने में। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ये वाला पौधा, ये तो आप जानते होंगे सभी, ये तो गेंदे का पौधा है। इसके बाद ये मैंने अभी बता ही दिया था, ये धनिया का, अभी कंपेयर करके दिखाया था मैंने, इसका और इसका कंपेयर करके दिखाया था। तो ये धनिया है, ये हमारी क्या है, ये हमने अभी बताई थी अजवाइन, ये अजवाइन का पौधा है। इसके बाद ये समझिए, इतना घना घना सा है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल घना है, एकदम जगह नहीं है इसमें, मिट्टी दिखाई नहीं दे रही। देखिए, आप देखो, खोद के मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मिट्टी भी नहीं, इतना घना हो गया है।
अभी इतना घना कैसे हो गया, इतना हरा भरा कैसे हो गया, इसकी वही ट्रिक है, आधा मिट्टी आधा खाद मिलाना है आपको, और जिस पॉट में भरना है उसमें छेद होने चाहिए नीचे, ताकि छेद से नीचे से पानी उसका जो है बाहर निकल जाए, बाहर निकलेगा और इसको धूप भी मिलना चाहिए इस पौधे को। देखिए बिल्कुल इतना घना हो गया, बिल्कुल इसमें उंगली अंदर नहीं जा रही है, बिल्कुल एकदम घना है, और इसमें बहुत अच्छे फूल खिलेंगे। जब इसमें फूल खिलेंगे तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा। इसकी किसी पेड़ की उगाने की सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि आधा मिट्टी आधा खाद मिलाना है और उसमें पानी का निकास होना चाहिए। जैसे हम पानी उसमें डालें तो पानी नीचे से निकल जाना चाहिए, यानी कि पानी उसमें भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको दो इम्पोर्टेंट पौधे और दिखा देता हूँ। देखिए ये दिख रहा है डिब्बे में, देखिए ये डिब्बे में लगा हुआ है, मैं ऊपर तक इसको दिखा देता हूँ। ये ऊपर फूल भी खिल रहा है, देखिए इसमें ये फूल भी खिल गया, इसमें ये फूल खिल रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए फूल दिख रहा होगा ये फूल। तो ये वाला जो पौधा है, ये काली वाली जो सरसों होती है उसका पौधा है, मैंने उगाया है बच्चों को दिखाने के लिए। जब इसमें फल आ जाएंगे तो फिर इसके बाद में और बाद में इसका वीडियो बना के आप सभी को बताऊंगा। जो शहर के बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं रहता है कि कैसे क्या है, कौन सा पौधा कैसे उगता है, तो ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया। इसका एक और सरसों में दिखाने वाला हूँ, ये दूसरा सरसों ये पीले डिब्बे में लगा हुआ है, और ये वाला देखिए नीले डिब्बे में लगा हुआ है। तो ये नीले डिब्बे में मैंने काला वाला सरसों लगाया जो आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें जो दिखा रहा हूँ मैं ये पीले वाले डिब्बे में, इस पीले वाले डिब्बे में पीले वाला सरसों लगा हुआ है। दोनों का फूल में देखिए कोई ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा, देखिए देखिए ये वाला फूल है, दोनों के फूल पीले ही रहते हैं। देखिए ये वाला दूसरा वाला है और ये वाला दूसरा वाला है, लेकिन दोनों के फूल पीले ही रहते हैं, लेकिन इसका फल जो होता है वो पीला होता है। ये वाले का पीला सरसों अलग होता है और काला वाला सरसों अलग होता है। ये काला वाला सरसों का फूल है और ये वाला पीले वाले सरसों का फूल है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरीके से उगा सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। बस इनका मकसद केवल था बच्चों को कोई भी जो दाना होता है या कोई भी मसाला होता है उसका पेड़ कैसे होता है, तो ये सब उगाए हैं मैंने और आप सभी लोगों को दिखाए हैं। तो उनको कैसे उगाएं या उगाने में दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक आपको ट्रिक बार बार बता रहा हूँ कि आधा मिट्टी आधा खाद मिलाना है, पानी का निकास करना है, और पानी को ज़्यादा भरना नहीं है, पानी थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि बस उसमें नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी लबालब भरोगे तो ख़राब हो जाएगा। दोस्तों कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।